देश के कई स्थानों व कहीं कहीं विदेशों में भी बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर मांग अब तेज हो चली है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी के साथ ही संजय कुमार जायसवाल ने सरकार से इस बात को लेकर कदम उठाने की बात कही है। आज शून्यकाल के दौरान ही संसद में तिवारी और संजय जायसवाल ने भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जल्द से जल्द शामिल किए जाने की बात सामने रख दी। उन्होंने अपनी बात में ये बात भी सामने रखी है कि एक लंबे समय से इसके लिए मांग की जा रही है और आवाजें भी उठती आई हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। वहीं संजय जायसवाल ने ये ऐलान कर दिया है कि यदि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने पर कोई भी फैसला नहीं होता है तो 8 अगस्त से वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि 14वीं लोकसभा में भी पहले ये आश्वासन दिया गया था कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा और अब तक ऐसा कुछ नहीं हो सका है। वहीं जायसवाल ने ये बात भी सामने रखी कि भोजपुरी का समर्थन करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी भोजपुरी भाषा में शपथ ग्रहण की थी। मॉरिशियस में भी बड़ी संख्या में लोग यही भाषा बोलते हैं। जायसवाल ने गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि देश में भारी संख्या में बोली जाने वाली इस भाषा को जल्द से जल्द इसका हक दिया जाए। अब इस पर क्या फैसला होता है या फिर संसद में किस तरह की बातें सामने आती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से दीक्षा की रिपोर्ट।